ओम शांति। 21 मार्च 2024 की साकार मुरली। आज की मुरली है अंतर्मुखी हो, देही अभिमानी हो जाने की। देही अभिमानी जो बच्चे रहेंगे, क्या निशानियां होंगी उनकी, उनको क्या इससे लाभ होगा। आज बाबा पूरी इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ ही संगम युग का महत्व और निश्चय बुद्धि बच्चों के लक्षण, क्रोध पर विजय पाने की युक्ति भी समझा रहे हैं। और आज हमें सफलता मूर्त भव का वरदान मिलता है। प्यारे बाबा की इन महावाक्यों से शक्ति बन जाए, वरदान जीवन में उतर जाए, इसके लिए स्वरूप में स्थित होकर मुरली सुनेंगे, स्वरूप की स्मृति को जागृत करेंगे। कौन हूँ मैं, याद दिलाते हैं अपने को कि इस बाहरी दैहिक रोल के भीतर मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, एक चमकता अमर सितारा हूँ। इस देह के वस्त्र को धारण कर एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, ज्योति बिंदु आत्मा, त्रिकुटी के बीच किरणें फैला रही हूँ, शांत हूँ, शुद्ध हूँ। ईश्वरीय संतान हूँ, मेरे पिता परमात्मा हैं, निराकार हैं, ब्रह्मलोक निवासी ज्योतिर्मय बिंदु हैं, ज्ञान सिंधु हैं। कलयुग के अंतिम समय पुरुषोत्तम संगम युग पर अवतरित हुए हैं, मनुष्य लोक में एक साधारण मनुष्य के मस्तक पर और उनके मुखारविंद से ईश्वरीय वाणी उच्चारण करते हैं। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो, चेक करो कि आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी कितना समय रहते हैं। मुख्य है अंतर्मुखी होना, इंट्रोवर्ट होके चेक करना है आत्मदर्शन परमात्मदर्शन, अंतर की आंख से कितना समय होता रहता है। आज जो बाबा ने हम बच्चों को एकांत में जाकर आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करने को कहा है, जो बच्चे ये प्रैक्टिस करते रहेंगे उनकी निशानियां सुनाई हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने वालों के मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति अंदर विचारों में शुद्धता और स्पष्टता लाती है, तो बोल कंट्रोल में रहते हैं और उनका आपसी प्यार बहुत होगा। जैसे खीर खंड भाई भाई के रूप में आपस में प्यार में रहेंगे, साथ ही धारणाएं बहुत अच्छी होंगी, दिव्य गुण दिखाई देंगे, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा, उनकी दृष्टि बहुत मीठी डिवाइन होगी, उनको देह का अभिमान नहीं आएगा, वो किसी को दुख नहीं देंगे।
तो इस एक प्रैक्टिस से कितने अनेक फायदे हैं, तो क्यों नहीं ऐसी प्रैक्टिस हमें अच्छी प्रकार से करनी चाहिए। फिर बाबा देही अभिमानी स्थिति के लिए समझा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ और बाबा हमें पढ़ाते हैं, इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा अच्छी होगी। तो जब भी सुनना है ये सोच के सुनना है कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, तो साथ साथ धारण होता जाएगा, फिर कोई विकर्म भी नहीं होगा और तुम आत्माभिमानी सोल कॉन्शियस होते जाएंगे। परंतु इस अवस्था में टिकने की ही बड़ी मेहनत है, क्योंकि बार बार अटेंशन देना होता है। सुनने में तो बहुत सहज लगता है, परंतु अगर सहज हो तो सब इस इम्तिहान में पास हो जाएं। इसमें बहुत अंतर्मुखी हो याद की प्रैक्टिस करनी होती है। अंतर्मुखी होने के लिए फिर एकांत भी चाहिए, और एकांत कहाँ मिलता है? बाबा ने कहा यहाँ मधुबन में एकांत ऐसा मिलता है जो घर में कारोबार में मिल नहीं सकता। यहाँ तुम एकांत में बैठ बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब प्रैक्टिस क्या करनी है, साथ साथ करते जाएंगे। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। मैं आत्मा इस शरीर से 84 जन्मों का पार्ट बजाती हूँ। अब बाप हमको वापस घर ले जाने आए हैं। कहते हैं माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मा देखो। और प्रैक्टिस करनी है, हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। अविनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या? अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते बाप को ही याद करना है। बाप को भूलने से कुछ न कुछ भूले होती हैं, फिर पद कम हो पड़ता है। तो तुम्हें सबको यही अनुभव सुनाना चाहिए कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। भाई सारा दिन इस प्रैक्टिस पर, एकांत पर, अंतर्मुखी होने पर, भाई भाई देखने पर बहुत ध्यान देना है। फिर बाबा कैसे और कब हमें राजयोग सिखलाते हैं वो बता रहे हैं। मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है, तो तुम समझा सकते हो निराकार बाप कैसे आकर योग सिखलाते हैं। वे खुद ही समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इनके तन में ही आता हूँ, ब्रह्मा बाबा के तन में। सेम तन हर साइकिल बाद मैं चूज करता हूँ। ये मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं। कहते भी हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो मैं इन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। उसी के लिए बाबा राजयोग सिखलाते हैं संगम युग पर। तो मैं भल इस शरीर में हूँ, परंतु मेरी असल की प्रैक्टिस है कि मैं बच्चों की आत्मा को समझाता हूँ। शिव बाबा खुद भी निराकारी रूप में हैं, हमें भी आत्मा रूप में ही देखते हैं, और उनको मालूम रहता है मैं आत्मा को पढ़ाता हूँ। अभी इन बातों को अच्छी रीति समझना है तो तभी तुम्हारी विजय होगी। तो हमको जो विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, सबको सुख देना है,
वो इस स्थिति द्वारा ही सबको दे सकते हैं। और बाबा ने समझाया है, अभी जो समय चल रहा है ये पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। दो युग मिल रहे हैं जिसको संगम कहा है। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। तो बाबा ने कहा, तुम अभी न रावण राज्य में हो न राम राज्य में हो, तुम बीच में ईश्वरीय संप्रदाय के हो। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है, अब मैं आया हूँ तो अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से मुझे याद करो और पवित्र बनो। याद से ही खुशी का पारा चढ़ेगा और आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार भरेंगे। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग के समय पर जिस बाबा को बुलाया था वो आया है, तो प्यार से याद करना है, दैवी गुण भरने हैं। फिर बाबा आया है तो बाबा पर जो बच्चे निश्चय बुद्धि हो जाते हैं उनकी बाबा निशानियां बता रहे हैं कि तुम बच्चों को बाबा का परिचय देने बिगर सुख नहीं आना चाहिए, तड़फन लगनी चाहिए। औरों को भी वो सुख अनुभव कराएं जो मुझे बाबा से मिल रहा है। भल यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं, परंतु जो निश्चय बुद्धि होंगे उनको कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाबा से हमको मिलाओ ना। वे चिट्ठी लिखेंगे, आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बिगर हम रह नहीं सकते। इनको निश्चय हो जाएगा वो ऐसे मिलने के लिए बेचैन होंगे। लिखेंगे बाबा को, बाबा आप ही हमारे बेहद का बाप, टीचर, साजन आदि सब कुछ हो। जन्म जन्मांतर तो और सबसे दुख मिला, उनकी एवज में आप सुख देते हो। तो बाप कहते हैं, इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। तो अभी हमारा बाबा के साथ गहरा सुखदाई संबंध है, तो माया के प्रभाव से हमें बच कर रहना है। फिर बाबा हमें क्रोध रूपी माया से बचने के लिए शिक्षा दे रहे हैं कि कोई कहते हैं, बाबा बच्चों पर बहुत क्रोध किया। तो बाप समझाते हैं, थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना है, यह बच्चा नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई है, उनमें भी आत्मा है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि यशोदा मैया उसे ओखरी से बांध देती है, मारती नहीं है। तुम इस समय डबल अहिंसक बनते हो, इसलिए ना काम कटारी चलाना ना क्रोध करना, क्रोध भी बड़ा विकार है। इसलिए बाबा आज हमें चेकिंग के लिए कह रहे हैं कि सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। बही खाता चेक करो, अपनी जांच बहुत करनी है। कौन सी बातों पे? कि हमने सबको भाई भाई आत्मा रूप में समझकर बात की, कहाँ तक हमारी वह भाई भाई की दृष्टि की अवस्था रही, चेक करना। और कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया, और कोई को दुख तो नहीं दिया? सारे दिन में कितनों को बाप का परिचय दिया? वो भी सुखदाई फीलिंग है, निश्चय बुद्धि है तो परिचय दिए बिना रह नहीं सकेंगे। और घर जाने के बाद वह नशा रहता है, निश्चय बुद्धि रहते हैं। तो ये सारी चेकिंग हम रोज रात को अवश्य करें।
और आज हम लेते हैं प्यारे बाबा से वरदान, वरदाता वरदान लुटाता है, उसके भंडारे भरपूर हैं। मैंने अपनी झोली बड़ी रखनी है और उसमें वरदान समा लेने हैं। झोली बड़ी रखना मना बुद्धि की शुद्धि और एकाग्रता। मुझे दिखता है सर्वशक्तिमान भगवान ब्रह्मा के नैनों से निहारता हुआ, मुझ पर अपना शक्तिशाली प्रकाश डालता हुआ और वरदान देता हुआ। बच्चे निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव सेवाधारी अर्थार्थ सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले, निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो, इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी, कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। दो विशेषताएं हैं नम्रता और निमित्त भाव, हम्बल होना और निमित्त ट्रस्टी फीलिंग डिटैच्ड फीलिंग में रहना। मेरा पन्ना है, बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है। ये नम्र होके केवल दिया हुआ काम न्यारे होकर कर रहे हैं तो सफलता स्वाभाविक होती जाती है। स्लोगन, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्य वंशी में आ जाएंगे। ऐसा अभ्यास सोल कॉन्शियसनेस का करें, जब चाहें सेकंड में बॉडी से डिटैच हो जाएं। आज के बाबा की मुरली से हम प्रैक्टिस करेंगे पूरा दिन। ये आत्मा भाई भाई हैं, हम भाई से बात करते हैं। पक्का अभ्यास करना है, अटेंशन रखना है। शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से रखना है। किसी भी हालत में कभी क्रोध नहीं करना है और विचार सागर मंथन कर ऐसी अपनी देही अभिमानी अवस्था बनानी है जो मुख से कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। अपना पोता मेल चेक करते रहना है, बार बार एकांत अंतर्मुखी आत्मिक स्थिति में एकाग्र और सफलता मूर्त बनने के लिए निमित्त और निर्माण भाव धारण करना है। सब कुछ बाबा का, बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ। ओम शांति।